बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। गुरु तो बनाना ही चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको दो मूर्खों की कहानी सुना रही हूँ। उज्जैन नगरी में दो मूर्ख रहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख थे और बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनके पास कोई धंधा नहीं था। अतः उन्होंने सुना कि एक गुफा में एक गुरुजी रहती हैं, वो सबको ज्ञान देते हैं। तो वो गुरुजी के पास गए, पर गुरुजी उस समय ध्यान में मग्न थे। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, बस और कुछ नहीं था। उन्होंने जाके गुरुजी को प्रणाम किया, पर गुरुजी तो ध्यान मग्न थे, उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो वो दोनों मूर्ख जो शिष्य बनने गए थे, गुरुजी के यहाँ बैठ गए और बैठकर सोचने लगे कि गुरुजी तो बोल ही नहीं रहे हैं, अब कैसे अपन को गुरु दीक्षा मिलेगी। एक बोला, अरे गुरुजी तो देखो खटर खटर कर रहे हैं। तो दूसरे ने कहा, हाँ खटर खटर कर रहे हैं। बस बोले, यही गुरु अच्छा है। बोले, चलो अपन भी खटर खटर करते हैं। वो दोनों थे तो महामूर्ख, बिल्कुल ज्ञान तो था ही नहीं और बहुत ज़्यादा बेरोजगार थे, भूखों मर रहे थे। अतः दोनों ने कहा कि क्या किया जाए खटर खटर करने के लिए। उन्होंने कहा, अपने पास तो भैया कुछ है नहीं है। बोले, अरे यार एक पेड़ में से, बांस के पेड़ में से दो दो डंडे तोड़ लेते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, और बस भगवान का ध्यान करते हैं। उन दोनों ने दो दो डंडे तोड़ लिए और बैठ गए। गुरुजी बोले, जो मंत्र कर रहे होंगे वही मंत्र अपन कर रहे हैं। और बस कहने लगे दोनों डंडों से, खटर 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 खटर। अब एक को तो लगी थी भूख, उसने पश्चिम की तरफ मुँह कर लिया और भगवान को डंडों से बजा बजा के और खटर खटर कहने लगा। और दूसरे को भगवान के दर्शनों की इच्छा थी, तो वह भी बांस के दो डंडे बजाकर पूरब की तरफ मुँह करके बैठा था और कह रहा था, खटर 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 खटर, और बांस के डंडे बड़े ज़ोर ज़ोर से लगा रहा था, मार रहा था एक दूसरे में। बहुत देर हो गई, कुछ नहीं, वो तो बैठ गए। उनने ना पानी पिया ना खाना खाया। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया। अब तो विष्णु भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी से कि चलो लक्ष्मी जी कछु रोटी बना लो। लक्ष्मी जी बोली, काय के लिए? अरे बोले, बड़े बड़े टिक्कर बनाना, बहुत दिनों के भूखे हैं। लक्ष्मी जी बोली, नहीं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने बड़े बड़े दो तीन टिक्कर बना दिए और विष्णु भगवान को दे दिए और कहने लगे कि महाराज, इतनी उत्सुकता से आप जा रहे हो, हम भी आपके संग चलेंगे। अरे बोले, नहीं तुम नहीं जाओ, तुम्हारे जाने से सब काम बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं हम तो चलेंगे। बोले, तो एक बात है कि आप हमारे शिष्यों से कुछ कहेंगी नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है। बोले, वो अगर गाली भी दें तो भी तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। अब भगवान गए तो एक को तो दर्शन चाहिए पड़े थे, तो भगवान बोले, चलो भाई मैं इसको दर्शन देता हूँ, तुम जो भूखा है उसको खाना ले आओ। उसने तीन दिन से खाना नहीं खाया लेकिन कुछ कहना नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है। अब लक्ष्मी जी गई तो लक्ष्मी जी ने कहा, वो तो पश्चिम की तरफ मुड़ गया था, तो उसके सामने खड़े होकर बोली, भैया खाना खा लो। तो उसने गुस्सा में तो था, तीन दिन से भूख लगी थी, पानी भी नहीं पिया था, वो उठा भी नहीं था अपने आसन से, तो घूम गया उसने दूसरी तरफ मुँह कर लिया। अब लक्ष्मी जी गई दूसरी तरफ, बोली, भैया खाना खा लो। तो उसने तीसरी तरफ मुँह कर लिया। ऐसे वो चारों तरफ घूम गया। लक्ष्मी जी ने कहा, अब भैया गुस्सा ख़त्म करो और कम से कम मैं खाना लाई हूँ तो खाना तो लो खा लो। और इतने तन्मय होकर खटर खटर करके मेरी तो यही समझ में नहीं आया कि तुम किस भगवान को भज रहे हो। तो वो गुस्सा में बोला, तुम्हारे भरतार को तो भज रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी समझ गई। लक्ष्मी जी दौड़ के आई, बोले विष्णु भगवान से, कहने लगी, भगवान आपके भक्त तो वाकई बड़े भक्त हैं और एक मिनट में जान गए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो बस विष्णु भगवान बोले, हाँ भैया हमारे भक्त ऐसा ही हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं और किस किस रूप में मुझको भजते हैं। बोले, पर ये बात समझ में नहीं आई हमारी कि आपका खटर खटर नाम कब से हो गया। बोले, वो समझने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम खाना दे आएंगे उसको। उन्होंने कहा, हाँ। तो लक्ष्मी जी ने खाना दे दिया। अब वो भक्त तो अपने भगवान का भजन करते रहे। अब दूसरे भगवान भक्त से भगवान ने कहा कि बेटा आंखें खोलो, मैं सामने खड़ा हूँ। तो उसने आंखें खोली और देखा तो सामने भगवान खड़े थे। तो उसने भगवान के दर्शन किए, भगवान को पैरों पर गिरा और अपने गुरु जी के लिए कहने लगा कि गुरु जी आपके बिना तो मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता था, बिना गुरु के उद्धार हो ही नहीं सकता है।